रेलवे से हूँ, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक मनीष पांडे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अभी जो पहले तो आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। जी, मेरा नाम अनंत कुमार दत्ता है, मैं राजन नगर इस एरिया में रहता हूँ और ये मेरा घर है। जी, आपके घर के जस्ट पीछे जो है रेलवे ट्रैक है और वहाँ पे मैंने देखा था कि काफ़ी यात्री लोग भी और कम्युनिटी के लोग भी कूड़ा फेंक रहे थे, काफ़ी हीप लगे हुए थे बड़े बड़े। तो हम लोगों ने एक स्वच्छता ड्राइव चलाया था, लगभग 7-8 दिन का एक ड्राइव था जिसमें कि काफ़ी ट्रैक की जो पुलिस सफाई कराई गई थी, कूड़ा उड़ा उसका जो है इकट्ठा करा के उसको कम्युनिटी की हेल्प से डिस्पोज ऑफ कराया गया था नगर निगम की हेल्प से। तो आपने इस चीज़ को देखा था? हाँ जी, देखा था। और ये चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि इस समय जो कोरोना का जो सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से हम लोग को सफाई का तो ध्यान रखना ही रखना, साथ में हाइजीनिक भी रहना है। उस हिसाब से आप लोगों ने जो सफाई कराई है बहुत ही अच्छी चीज़ है और इससे हम लोग कॉलोनी को भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है क्योंकि कूड़ा पहले वहाँ सही में आप जो कह रहे थे कि लिटरेट लोग भी पीछे कूड़ा फेंक देते जो कि नगर निगम को हैंड ओवर करना रहता है, सही बात है। पर हाँ, अब कुछ लोग कर देते हैं तो उसके लिए आपने सफाई के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और इस समय ये चीज़ होना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे भी हम लोग जो है इस तरह की ड्राइव चलाएंगे, 7-8 दिन की बीच बीच में पीरियडिकल ड्राइव चलाएंगे और जहाँ पे और ट्रैक बचे रह गए गंदे उसको साफ करेंगे। आप लोगों से एक सहयोग की उम्मीद है कि जो भी आपके कम्युनिटी में इलिटरेट लोग हैं जो नहीं जानते इस चीज़ को, आप उनको थोड़ा सा एजुकेट करें कि वो जो है गंदगी ना फैलाएं और कम्युनिटी का जो भी कूड़ा निकलता है वो नगर निगम की जो गाड़ियाँ आती हैं, सफाई वाले आते हैं, उनको रोज़ हैंड ओवर कर दिया करें। ठीक है, धन्यवाद। रोज़ है, मैं बड़ी जुगौली से हूँ और जो रेलवे ने यहाँ साफ़ सफाई और पेड़ पौधे लगाए हैं ये बहुत ही सुंदर और शोभनीय कार्य हुआ है। यहाँ पे लोगों को इससे अधिक सुविधाएं मिलेंगी और लोग आने जाने में आसानी रहेगी। साफ़ सफाई जो किया है वो रेलवे की तरफ से वो बहुत ही सराहनीय और धन्यवाद के पूर्ण है।